कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और व्लॉग मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। लगभग 2:30 बजे का 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। और मैं रॉक्सी को लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल। इसको दिखाना है आज रूटीन चेकअप का। वैसे तो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन इसके ना दो स्टिचेस में, पहले एक स्टिच था बट अभी दो स्टिचेस में से इसके थोड़ा सा ना मतलब कुछ सीरम टाइप का लीक करता है, बहुत ज़्यादा है वो, कई बार बहुत ज़्यादा होता है। तो वो भी दिखाना था इसका, और बाकी रूटीन चेकअप तो कराना ही था। तो इसको लेके जा रहे हैं और इसको लग रहा है पता नहीं मम्मी तैयार हो गई, अभी इसे छोड़ के जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जब से ये बीमार हुई है मैं कहीं भी नहीं गई हूँ इसको छोड़ के। सिर्फ एक दिन साइकिल लेने गई थी बच्चों की, तो वो भी ये बुक करके आ गए थे, पेमेंट करके आ गए थे, बस मैं लेने गई थी उसको उठाने। तो वो घर के बिल्कुल पास थी, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा दूर था। और ये बिल्कुल तैयार बैठी है मेरे पास, मैं दिखाती हूँ, ये भी बिल्कुल यहीं बैठी हुई है। इसको लग रहा है मैं जा रही हूँ इसको छोड़ के। तो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि फिर देर हो जाएगी, रश हो जाता है वहाँ पे, काफ़ी पेट्स आते हैं तो टाइम लगेगा लौटने में। बच्चों के भी स्कूल से आने का टाइम है, तो उनको भी आगे ज्वाइन करना है, लंच बनाना है उनके लिए। तो आकर आप लोगों से मिलती हूँ और बताती हूँ डॉक्टर ने क्या बताया। तो चलिए चलते हैं और मेरी रॉक्सी के लिए प्रे करें। वैसे तो काफ़ी ठीक है, आप लोगों ने बहुत इसके लिए प्रे किया है, सब लोगों ने बोला है गेट वेल सून रॉक्सी, और रॉक्सी का सब राजी खुशी भी पूछते हैं। ज़्यादातर मेरे व्लॉग्स में लोग रॉक्सी के बारे में पूछते हैं, या मेरी लाइव सेशन होते हैं उसमें भी रॉक्सी के बारे में पूछते हैं, हाउस रॉक्सी। तो रॉक्सी अभी बहुत ठीक है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपको। रॉक्सी खुश हो जाती है, रॉक्सी एकदम बाहर जाना हो तो, इतनी उछल रही थी ना सब देखा मैंने, कपड़े पहने और मैंने इसको मजल पिलाया, इसको लगा कि मैं भी जाऊंगी। छोना अभी तो देख रही, बाहर के नजारे ले रही है। रॉक्सी को दिखा लिया है डॉक्टर साहब को और बोल रहे हैं बहुत 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 बेटर है। इसकी हीलिंग प्रोसेस एक्चुअली थोड़ी स्लो है, जिसकी वजह से इतना टाइम लग रहा है इसको, पता नहीं क्यों है। मैं तो अपनी साइड से पूरी केयर करती हूँ, बट एनीवेज जो भी है फिलहाल ये ठीक है। तो चलिए चलते हैं घर और मिलते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत रश है, रॉक्सी को भी संभालना है। उठो सूरज, कितना सुंदर लग रहा है। मैं आ गई हूँ घर और बच्चे खाना खा के सोए हुए मिले हैं। कैमरे को क्या हो रहा है, ठीक है। बच्चे सो गए दोनों आके घर पे। एक्चुअली चाबी देके गई थी मैं, मुझे पता था कि अगर लेट हो जाऊँगी तो एटलीस्ट बच्चे आके खाना पीना खा तो के सो तो जाएंगे, अदरवाइज कहाँ भागते। ऐसे भी मैं बच्चों को किसी के घर जल्दी से भेजती नहीं हूँ कि नहीं उनके घर रुकना उनके घर रुकना, क्योंकि मैंने कभी ऐसा होता ही नहीं कि मैं बच्चों को छोड़ के कहीं जाऊं। शायद इसीलिए आज मैं जॉब नहीं कर रही हूं कि कभी मेरे बच्चों को मेरी वजह से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो बस आ गए और सोए मिले, देख के अच्छा लगा। मैंने उनको सुबह बता दिया था कि रॉक्सी को लेके जाऊंगी, तो जब लौटूंगी तो तुम शायद लेट हो जाए तो मैं खाना लगा के जाऊंगी तुम्हारा, और तुम सो जाना आके। तो बच्चों ने समझदारी दिखाई है और दोनों सो गए हैं। मैं चेंज कर लेती हूँ, गर्मी लगी है बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा हाल था बाहर। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। गंदा बच्चा, ये एसी चला देती है, ये देखिए ये एसी चलाती है ना, है ना, ऐसे ही करते हो ना, एसी चला देते हो। अभी ये ठीक होने लगी है ना, तो अभी ये बदमाशियां करने लगी है। और जैसे ये बैठी है ना, मासूम, उतनी मासूम ये है नहीं, है ना, मासूम बच्चा है। तो चले चले, हम चलना है, थप्पड़ दूं तुझे, थप्पड़ खाएगा, थप्पड़ थप्पड़ खाएगा, खाएगा थप्पड़, एक एक और खा। मैंने ना ये दालें सुखाई थी बाहर की, बरसात का मौसम है ना तो कीड़े लगने का डर रहता है, तो धूप लगाई थी इनको, मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, तो फिर उठा के मैंने अंदर रख दिया सारी,
वो चिल्ला रही है, वो निकलने नहीं दे रही मेरे को। मैंने ना ये मंगाया था अमेजोन से, और मैं दिखाती हूँ आपको क्या है। ये बच्चों के लिए है, बच्चों की तो चीजें खत्म ही नहीं होती, आप जितनी मर्जी मंगा लो। अरे बाप रे, इसका वजन अच्छा खासा है। पैकिंग बहुत अच्छी है इसकी, बहुत स्ट्रॉन्ग पैकिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैकिंग ही है। अमरेंद्र बाहुबली ये खोल के रखो ये पैकिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग पैकिंग की गई है। ये है पिन बोर्ड बच्चों के लिए, यहाँ पे उनको कोई भी अपनी स्टिक करनी है नोट तो वो यहाँ कर सकते हैं। बट ये टूटा हुआ है, देखिए ये टूटा हुआ है, ये यहाँ से टूटा हुआ है, तो इसको मैं रिप्लेस के लिए डालूंगी। और बच्चे एकदम सैड हो गए दोनों। यहाँ से इसको हम हैंग कर सकते हैं, ये इधर आ जाएगा शिफ्ट होके, इसको हम हैंग कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बेकार है, लेकिन यहीं पे इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है और अभी तक लग रहा है स्ट्रॉन्ग पैसा वेस्ट। स्ट्रॉन्ग पैकिंग, पैकिंग जितनी स्ट्रॉन्ग है उन्होंने पहले ही तोड़ के पैक किया है ये। तो चलिए पीछे से ये ऐसा है, और पीछे से भी टूटा हुआ है। वाह, तो पीछे से ये पीछे से भी टूटा हुआ है, तो पीछे से ये टूटा हुआ है सारा, ये पूरा ही टूटा हुआ है एक्चुअली। ये जब रखा होगा ना तो ये इस तरह से कहीं कुछ इस तरह से प्रेस हुआ है, जिसकी वजह से ये हो गया है। चलिए इसको डालते हैं एक्सचेंज पे। सो सैड। अभी ना मैं नहा के आई हूँ, सर बहुत दर्द कर रहा था एक्चुअली। जब हम लोग रॉक्सी को लेके हॉस्पिटल गए थे ना, तो ये उसके बाद मार्केट गए थे, कुछ काम था इनको, कुछ लेने गए थे, और इनका मोबाइल निकल गया पॉकेट से। इन्होंने शॉर्ट्स डाले हुए थे, शॉर्ट्स में से इनका मोबाइल निकल गया, और हम काफ़ी देर से ढूंढ रहे हैं। पहले ये स्कूटी से गए थे ढूंढने की शायद मिल जाए, और उसके बाद फिर थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, सर दर्द कर रहा है। उसके बाद मैं भी साइकिल से गई थी कि चलो शायद मिल जाए स्लो स्लो साइकिल से जाके, क्योंकि थोड़ी डिस्टेंस पे था जहाँ पे निकला था, जहाँ से लग रहा था कि वहाँ पे निकला होगा, लेकिन कहीं नहीं मिला। बहुत देर ढूंढा, और इनको पता भी काफ़ी टाइम बाद लगा। ये ना कोई मशीन लेके आ रहे थे किसी काम के लिए, एक्चुअली ये यहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उसके लिए मशीन लेके आ रहे थे, तो वो इनको पता ही नहीं लगा निकल गया। वो मशीन काफ़ी भारी थी और पीछे स्कूटी पर किसी ने पकड़ी हुई थी। मुझे तो एक बार को डाउट भी है कि निकाल ना लिया हो, बट ऐसे हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। बट एनीवेज जो भी है, नुकसान तो हो गया बहुत बड़ा यार, काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया। 20 अगर मिनिमम भी लो तो 20-25 हज़ार का तो आता ही है। तो फिलहाल खो गया है मोबाइल, और बहुत उसमें ना इनके सारे बैंक डिटेल्स वगैरह हैं, इनका ऑफिस का बहुत सारा डाटा है। मतलब मोबाइल तो चलो 20-25 हज़ार का है, ठीक है कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, फिर आ जाएगा। लेकिन जो मेन इशू है ना, वो ये कि इनकी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, इनके डेबिट क्रेडिट कार्ड सब उसमें सेव हैं, बैंकिंग डिटेल उसमें सेव है, काफ़ी कुछ उसमें सेव है जो कि कोई भी मिसयूज़ कर सकता है। और कितना भी आप जल्दी जल्दी उसको वो करो, ब्लॉक कराओ, फिर भी थोड़ा टाइम तो लगता ही है। वैसे हम लोग लगे हुए हैं ब्लॉक कराने पर, FIR भी करके आए हैं, लेकिन उससे होना कुछ नहीं है। करीब 5 साल पहले मेरा भी एक मोबाइल गिरा था ऐसे ही, मेरा तो न्यू मोबाइल था, इनका तो फिर भी थोड़ा सा पुराना है, और मैंने ना बस इतनी देर में निकल गया था, और मेरा तो कंफर्म है कि वही ऑटो में ही था। मैं ऑटो से उतरी थी, मैं चूड़ियाँ लेके आई थी अपने लिए, तो जैसे मैं ऑटो से उतर रही थी तो इनका फ़ोन आ गया था, मैं अपने मायके में थी उस टाइम। तो जैसे ही इनका फ़ोन आया, मैंने फ़ोन पिक किया और मैंने कहा ठीक है अच्छा मैं रख रही हूँ, और मैं ना उतर रही हूँ ऑटो से,
इन्होंने कहा ठीक है, वो फ़ोन वहीं ऑटो में ही रह गया और मैं उतर के आ गई, क्योंकि चूड़ियाँ बहुत सारी थी, मेरे देवर की शादी थी उस टाइम, तो बहुत सारी मैचिंग चूड़ियाँ मैं लेके आई थी, तो वो वहाँ रह गया। और भी काफ़ी सारी शॉपिंग की थी, ज्वेलरी वगैरह काफ़ी कुछ था उस टाइम मेरे पास, तो सामान उतारने में वो मोबाइल मेरा वहीं पर रह गया। तो रिपोर्ट की हमने काफ़ी फॉलो भी किया, करीब एक साल तक मैं जाती आती रही बार बार थाने में कि शायद मिल जाए, लेकिन नहीं मिला था। तो जब उनका नहीं मिला तो ऑब्वियस यहाँ तो बिल्कुल भी मिलना पॉसिबल नहीं है। बट ठीक है, हमने FIR तो कर दी है, ब्लॉक भी करा रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन बुरा लगता है। और मोबाइल तो आजकल ऐसी चीज़ है कि ऑल टाइम चाहिए, आप बिना मोबाइल के रह ही नहीं सकते हो। तो अभी देखो न्यू लेंगे, मना कर रहे हैं अभी, तो कहते हैं मैं टैबलेट से काम चला लूँगा, टैब है, लेकिन बिना मोबाइल के तो काम चलेगा नहीं, ये तो आप सब भी जानते हैं। तो बड़ा बुरा लग रहा है, वैसे भी इतने ना चीज़ें ख़राब चल रही हैं, कई बार होता है ना दिन ऐसे ख़राब ख़राब से आते हैं, कुछ मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ चल रहा है। 3-4 दिन से लगातार हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा, इसीलिए मेरा ब्लॉग भी ये काफ़ी लेट आएगा। चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। और मेरा रॉक्सी है बैठा, शोना हेलो करो, शोना हेलो करो। और प्रेस टेबल पे ऑलरेडी कपड़े रखे ही रहते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म के होते हैं ना, तो रोज़ धुलते हैं, रोज़ रखे जाते हैं, तो वो परमानेंट वहाँ रहते हैं। और वहाँ पे रॉक्सी की दवाइयाँ रखी हुई हैं ऊपर टेबल पे, तो ऐसा नहीं है कि कुछ फैला हुआ है, सब अरेंज है। लेकिन वो कपड़े तो उतार के लाई हूँ अभी, तो वो उतार के मतलब सूख रहे थे, वहाँ से उतार के लाई हूँ। और दवाइयाँ तो खैर अभी परमानेंट वहाँ पे हैं, जब तक रॉक्सी ठीक नहीं होती तब तक वहाँ उस वो टेबल उसी के लिए रिजर्व है, क्योंकि उसका खाना पीना भी वहाँ मैं रख देती हूँ कुछ कुछ की, थोड़ी देर में कुछ खिलाऊँगी शायद खा ले, तो वो टेबल आजकल ऑक्यूपाइड है रॉक्सी के लिए। तो चलिए ठीक है, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।